इंडिया टीवी आपकी आवाज। लोकसभा में विपक्ष की मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी, सोर्सेस के हवाले से खबर। मणिपुर को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा, पीएम मोदी के बयान देने पर अड़ा विपक्ष। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के सांसदों के साथ की मीटिंग, पीएम के जवाब देने पर अड़े कांग्रेस और विपक्षी दल। संसद में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग, सदन में रणनीति पर चर्चा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का विपक्ष पर अटैक, कहा ऐसा दिशाहीन विपक्ष नहीं देखा, इनके पास कोई विजन नहीं। इंडिया गठबंधन नाम पर पीएम मोदी का निशाना, कहा इंडियन मुजाहिदीन ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से में भी इंडिया है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा आप हमें कुछ भी बुला लीजिए, हम मणिपुर की हर महिला बच्चे का आंसू पोंछते रहेंगे। पीएम मोदी के बयान पर पवन खेड़ा का ट्वीट, लिखा कांग्रेस विरोध में अंधे हुए पीएम मोदी, कुंठा और नफरत में इंडिया पर ही बोल दिया हमला। विपक्षी गठबंधन पर पीएम के बयान को लेकर बोले कार्ति चिदंबरम, हमने अपने देश का विचार ही किया संरक्षित। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी को बताया तानाशाह, ट्वीट कर लिखा देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद से भाग रहे हैं पीएम। राज्यसभा में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राजस्थान छत्तीसगढ़ पर भी हो चर्चा। विपक्ष पर बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, का मणिपुर के बारे में ऐसा क्या है जो विपक्ष सामने नहीं आने देना चाहता। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का विपक्ष पर तंज, कहा वो मान चुके अपनी हार, अब सत्ता में नहीं आने वाला विपक्ष। मणिपुर मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, कहा कांग्रेस और उनके साथियों को चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं। दिल्ली में आप सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग, पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। सितंबर अक्टूबर में हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार, अभी खाली है 8 मंत्री पद, ओपी राजभर बन सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के मुखपत्र सामना को दिया इंटरव्यू, इशारों में सीएम शिंदे को कहा केकड़ा। उद्धव ठाकरे ने कहा पूरी बीजेपी मेरे खिलाफ, फिर भी उनको लगता है डर, उद्धव का मतलब बाला साहेब ठाकरे का विचार। एमएनएस की टोल नाका तोड़फोड़ पर बीजेपी ने जारी किया वीडियो, अमित ठाकरे को दी चेतावनी, कहा दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कर्नाटक के डुबड़ी सीएम डीके शिव कुमार का बीजेपी जेडीएस पर अटैक, कहा हमारे दुश्मन बन गए हैं दोस्त। डीके शिव कुमार के बयान पर जेडीएस का पलटवार, प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम बोले अपने पहले वादे पूरे करें कांग्रेस सरकार, लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी जेडीएस, पार्टी अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा ने किया ऐलान। मायावती का ऐलान, कहा एमपी राजस्थान छत्तीसगढ़ चुनावों में बैलेंस पावर बनेगी बीएसपी, तब सरकार में होगी शामिल। राजस्थान में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा की मांग, कहा कांग्रेस की मंत्रियों का नाको टेस्ट और डीएनए टेस्ट हो, सच्चाई आ जाएगी सामने। राजस्थान के झुंझुनू में राजेंद्र सिंह गुड़ा ने की ऊंट की सवारी, सीएम गहलोत ने गुड़ा को मंत्री पद से किया सस्पेंड। सुप्रीम कोर्ट ने सिमी पर लगाए बैन के खिलाफ याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इंकार किया, आर्टिकल 370 पर सुनवाई पूरी होने के बाद होगा लिस्टेड। सीमा हैदर और सचिन मीणा से आज फिर यूपी एटीएस और आईबी की पूछताछ, सीमा के जासूस होने के शक में जांच जारी। गीतिका सुसाइड केस में दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट का फैसला, मुख्य आरोपी गोपाल कांडा को किया गया बरी, अरुण चड्डा भी बरी। बरी होने के बाद गोपाल कांडा का बयान, कहा मेरे खिलाफ केस बनाया गया था, कोई सबूत नहीं मिला। झारखंड के गवर्नर का बड़ा बयान, कहा राज्य में विदेशी घुसपैठ कर आदिवासी महिलाओं से कर रहे हैं शादी, ये हालात चिंताजनक। बारामूला में लश्कर के दो आतंकी सहयोगी अरेस्ट, दो चीनी पिस्टल, दो मैगजीन, चार कारतूस, आईडी कार्ड बरामद। अमरनाथ यात्रियों का नया जत्था पंथा चौक बेस कैंप से हुआ रवाना, तीर्थयात्रियों ने बम बम बोले के लगाए जयकारे। वाराणसी में सीएम योगी ने जगतगुरु शंकर विजेंद्र सरस्वती से की मुलाकात, श्री कांची कामकोटी पीठम मंदिर के आरती में भी हुए शामिल। परिवार के साथ उज्जैन पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, महाकाल की सवारी में हुए शामिल। उदयपुर दौरे पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा, लिया आशीर्वाद। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक मदन दास देवी का निधन, पुणे में अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की गड़सा घाटी में फटा बादल, कई घरों को भारी नुकसान, दो पैदल पुल भी बहे। चमोली में नंद्रप्रयाग और पुरसारी के बीच लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बंद। दिल्ली के लोगों को मिली राहत, यमुना नदी का जलस्तर हुआ कम, 205.45 मीटर पहुंचा यमुना का लेवल। नोएडा और गाजियाबाद में हिंडन नदी का कहर, गांवों में घुसा बाढ़ का सैलाब। नोएडा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, कहा सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कानपुर में गंगा नदी उफान पर, गोलाघाट के पास घरों में घुसा पानी। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में पहाड़ी का मलबा गिरा, रामबाग सोसाइटी में 4 से 5 फ्लैट्स में आई दरारें। मुंबई में लगातार हो रही बारिश बनी मुसीबत, गोरेगांव आईटी पार्क क्षेत्र में धंसी सड़क। रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, नैनीताल रोड पर डिवाइडर से टकराई स्कूटी, 3 दोस्तों की मौत।
यूपी के मुरादाबाद में तेज रफ्तार डंपर ने कई वाहनों को मारी टक्कर, हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से हुआ घायल। महाराष्ट्र के बुलढाणा में ब्रेक फेल होने की वजह से पलटी बस, कई यात्री घायल, तीन की हालत गंभीर। मोतिहारी के जरोखर थाना इलाके में आबकारी टीम पर ग्रामीणों का अटैक, एक होमगार्ड की मौत, अवैध शराब पकड़ने गई थी टीम। G20 और 15 अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, होटल में नियमित सुरक्षा जांच कर रही दिल्ली पुलिस। सूरत में बीच इलाके में पुलिस की ड्राइव, 95 किलो से ज्यादा अफगानी चरस बरामद, मार्केट में 4 करोड़ 80 लाख रुपए है कीमत।